हेलो दोस्तों, नमस्कार। नए ब्लॉग पे आपका स्वागत है। इस समय है महर रेलवे स्टेशन पे। तो आज के वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी इस महर रेलवे स्टेशन के बारे में, पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, यहाँ पे कैसे रुका जा सकता है, कैसे आ सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था का, यहाँ पे टिकट्स कैसे अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है महर रेलवे स्टेशन पे, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए, मैं आपको आज घुमा रहा हूँ मैयर का रेलवे स्टेशन। ये मैयर रेलवे स्टेशन का मेन गेट है और यहीं से अंदर आप प्रवेश करेंगे। ये स्टेशन के सामने पूरे ऑटो का पार्किंग स्थल है। आप यहां से जहां भी जाना चाहते हैं ऑटो बुक करके जा सकते हैं। और बाकी इसके अंदर जाने की एक दो दो गेट बने हुए हैं। सामने टिकट आरक्षण केंद्र है, वहां पे भी हम आपको ले चलते हैं। इसका मेन गेट है महर रेलवे स्टेशन का। इसके अंदर प्रवेश करते हैं, आपको ट्रेनें मिलेंगी यहां से। और इसका टिकट घर और आरक्षण केंद्र है, यहां से आप अपने लिए टिकट भी बुक कर सकते हैं। टिकट काउंटर यहां पे देख रहे हैं, सारे एक दो तीन चार टिकट काउंटर बने हुए हैं और यात्रियों को बैठने के लिए सुविधा भी है। यहाँ से आप अपने टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं, बहुत सारी, और ट्रेनों की जानकारी भी ले सकते हैं यहाँ से। स्टेशन के आपको अंदर ले चलते हैं। यहाँ पे आपको प्लेटफार्मों की संख्या 6 मिलेगी। आपको पहला प्लेटफार्म है और उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद भी जहाँ पे मालगाड़ी आपको दिखाई उसके पीछे भी प्लेटफार्म है, वहाँ से भी यात्री बैठते हैं। और काफ़ी बढ़िया ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर आपको फूड ट्रैक भी मिल जाएगा और होटल रंजित, यहाँ पर करके आप अपने फास्ट फूड को ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ की साफ सफाई बराबर होती रहती है, साथ में यहाँ पे वेटिंग एरिया भी है, और जहाँ पे आप प्रति घंटा 10 रुपये पे करके और यहाँ पे ले सकते हैं इस सेवा का शुल्क। वातानुकूलित है यहाँ पे। और इस वेटिंग एरिया में चार्ज लगेंगे, जहाँ पे आप 10 रुपया उचित दर दे के इस एसी प्रतीक्षालय में आप ठहर सकते हैं कुछ समय के लिए। भक्त यहाँ पे माँ शारदा के दर्शन के लिए आते हैं, यहीं पर उतरते हैं महर का जो रेलवे स्टेशन है। और यहाँ का जो विश्राम स्थल है वो इस वक्त बंद है, अभी तो नहीं जानकारी है, लेकिन यहाँ पर भी रूम्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, जो लगभग पलंग उपलब्ध है और वेट भी यहाँ पे है, जो 12 घंटे के लिए इतना चार्ज लगता है, लेकिन ऑनलाइन इसकी बुकिंग होती है। फिलहाल ये अभी क्लोज यहाँ पे चल रहे हैं। और आपको पानी की भी सुविधा मिल जाएगी यहाँ पे, विशिष्ट कच्छ। और इसके साथ में यहाँ पे वाटर की सप्लाई भी लगाया है, जहाँ पे आप 5 रुपये पे करके 1 लीटर ले सकते हैं। और साधारण लोगों के लिए यहाँ भी प्रतीक्षालय है, जहाँ बैठ के आप ट्रेनों का इंतज़ार कर सकते हैं।
और जो बिल्कुल निशुल्क है। सामान्य श्रेणी के लिए बना हुआ है और इसके बगल में आपको टॉयलेट और बाथरूम मिल जाएगी जो आप पे करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी यात्री अपना वेटिंग हाल है, इसमें बैठ के ट्रेनों का इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी लॉकर भी है, आप अपना सामान भी रख सकते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रसादन जहाँ पे करके यूज कर सकते हैं। तीन ही प्लेटफार्म मुख्य हैं जहाँ से ट्रेनें आवागमन होते हैं, लोग बैठते हैं। बाकी प्लेटफार्म बने हुए हैं जो उसका यूज़ नहीं होता, सिर्फ डेमो गाड़ियाँ उधर से अधिकतर चलती हैं। और बाकी आप जो कुछ सामने देख रहे हैं प्लेटफार्म 1, 2 और उसके बगल में 3 है, वहाँ पे ट्रेनें उधर रास्ते से गुजरती हैं। रेलवे स्टेशन से जाने वाली तमाम गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी और हमेशा आती जाती रहेंगी। और यहाँ पे लोकल के साथ साथ दूर दराज भी यहाँ से ट्रेनें आवागमन होती जाती हैं। और सबसे अधिक जो यहाँ भीड़ होती है, यहाँ का जो प्रसिद्ध माँ शारदा का टेम्पल है, लोग दर्शनों के लिए आते हैं, तो यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। सबसे ज़्यादा भक्तगढ़ यहाँ पे आते हैं, बाकी यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है। और इस समय इंदौर हावड़ा ट्रेन यहाँ से जा रही है, इंदौर हावड़ा एक्सप्रेस यहाँ से गुजर रही है। और यहाँ का ट्रैक तो काफ़ी लंबा है, बहुत ही बड़ा है और आप देख रहे हैं दूर तक। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ दूर तक, देख पा रहे हैं जो रेलवे का ट्रैक है, आप देखिए काफ़ी दूर तक वहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद उधर सारे यात्रीगढ़ हैं और अभी गाड़ी जहाँ तक जा रही है उसकी अभी आगे तक इस प्लेटफार्म इसका बना हुआ है दूर तक, यानी काफ़ी है, लंबा चौड़ा है, ऊपर बना हुआ है, लोग इस पार से उस पार जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, बहुत ही लंबा है प्लेटफार्म ये है। सुविधाएं अच्छी है, बाकी आप यहाँ पे आ सकते हैं, चल पल इस रेलवे स्टेशन पे है और सारी सुविधाएं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खैर आज की मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।